श्रीनिवासपुरी में स्थित स्कूल की दीवार गिरने पर दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व बदरपुर से भाजपा विधायक रामवीर सिंह विदुड़ी ने दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी पर साधा निशाना। जी हाँ, आपको पता चले कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विदुड़ी ने दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बताया चले कि पिछले शनिवार से लगातार राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही है। इसी बीच श्रीनिवासपुरी में स्थित दिल्ली सरकार के स्कूल की एक दीवार गिर गई, जिसकी वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। अब जिसको देखते हुए अब नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विदुड़ी ने आतिशी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आतिशी की विधानसभा में स्कूल का एक बड़ा हिस्सा गिर गया, पर केजरीवाल और खुद विधायक वहां अभी तक नहीं पहुंचे। बताया चले कि जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में पिछले दो दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जगह जगह पर जल जमाव की स्थिति भी पैदा हो गई है, जिसकी वजह से जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। अब इसी बीच दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विदुड़ी ने स्कूल की दीवार गिरने पर आतिशी पर जमकर निशाना साधा है। अब आइए सुनिए क्या कुछ कहा इस पूरे मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विदुड़ी ने। 24 घंटे पहले कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में जिस क्षेत्र की नुमाइंदगी दिल्ली की शिक्षा मंत्री श्रीमती आतिशी करती हैं, स्कूल की बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। अभी तक वो मौके पर गई नहीं। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सहदेवा जी वहाँ पहुँच सकते हैं। श्री रमेश बिधूरी जी क्योंकि उस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट के मेंबर के रूप में, वे मौके पर जा सकते हैं, लेकिन आतिशी मौके पर नहीं गई। यदि मीडिया ने सोशल मीडिया पर ये समाचार वीडियो के माध्यम से चलाया गया, धमकाया गया, वीडियो बंद करवा दी गई, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं।